आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम। उसके लिए हमने आधा किलो दुसहरी आम लिए हैं और उनका हमने पल्प निकाल लिया है, और 100 ग्राम हमने चीनी ली है और आधा नींबू लिया है, उसका रस डालेंगे हम। पहले हम मैंगो को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो इसको अभी हम ब्लेंड करते हैं मिक्सर में डाल के। ये आम का पल्प अच्छे से ब्लेंड हो गया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आग पे पकाएंगे। अब हम ये मैंगो का पल्प कढ़ाई में डालेंगे और इसको पकाएंगे। कढ़ाई पहले से गर्म नहीं करनी, गैस से लाएंगे। गैस मीडियम पे करेंगे और बीच बीच में सिम पे भी करेंगे, और इसको भी लगना लगातार ही लगते जाना ताकि ये नीचे नहीं लगे। जब ये थोड़ा उबलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहिए। पल्प उबलना शुरू हो गया, अब गैस सिम पे करेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये ग्लॉसी और गाढ़ा ना हो जाए। इसको चलाते रहेंगे, बीच बीच में गैस मीडियम पे भी करेंगे और सिम पे भी अपने हिसाब से करते जाएंगे। जैम हल्का गाढ़ा हो गया, अब इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब ग्लॉसी होने तक पकाएंगे। कड़छी चलाते जाइए और गैस लो पे रखिए ताकि ये नीचे नहीं लगे। ये हमारा जैम तैयार हो गया। ये ग्लॉसी भी हो गया, इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया और गाढ़ा भी हो गया। अब हम करेंगे गैस बंद और इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए जैम की तरह गाढ़ा हो गया। ये जैम को बनाने में हमें 10-15 मिनट लगे हैं और अब इसको हम एयर टाइट, ठंडा हो जाएगा, एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में रख देंगे और ये 8-10 दिन चल जाएगा। और ये रही आज की हमारी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारे इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।